राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। आइए नटखट सावरिया के चरणों में भजन पुष्पों की एक भेंट है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारे गपा रे जिया नहीं तुम कोई बात बने तेरे Hare Krishna।
से धर्म सही कर्म सत्कर्म अगर नहीं हो सका तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंचती हो समस्त जनमानस उपस्थित हो अनुसार आज का सुबह पूजा अर्चन वंदन दोपहर विश्राम पति सेवितम कपित्तजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतम् सुतारकम् नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् लक्ष्मीकांतम् कमलनयनम् योगिविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् अधिकतापरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमोत्वम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये। प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए प्रभु का आशीर्वाद गणेश जी महाराज का जय महाराज के चरणों का हो कि इस क्षेत्र को इस स्थान धन धन का सहयोग इसी प्रकार से यहाँ उपस्थित सत्व अनुसैया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली माताएं तैयार हो व्यासपीठ पर विराजमान हो माल्यार्पण किया जाए स्वागत अभिनंदन हो। उसके बाद अपने मुखारविंद से
श्री राम भाई गंगा प्रवाहित करे। उपस्थित जनमानस डुबकी लगाए, जिससे उनका उनके बाल बच्चों का कल्याण हो सके। धर्म अनुष्ठान यज्ञ या राम कथा सबके कल्याण के लिए कराया जा रहा है, जन जन तक संदेश पहुंचाया जाता है और उनसे सहयोग सदैव होते कम में कहा जाए कम है। अश्याम सभायाम परम